हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अर्पिता क्रोशेट ट्यूटोरियल। ये देखिए, मैं आपके लिए आज डोरी बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये बनाना बहुत ही इजी है। इसको आप अपने हैंड बैग में लगा सकते हैं, फ्रॉक्स में, आप अपने ब्लाउज में लगा सकते हैं रेशम के थ्रेड से बनाकर। तो चलिए आज हम लोग डोरी बनाना सीखते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। मैं मेरी बेबी के शर्ट में भी अभी लगाई हूँ। तो देखिए, यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग डोरी बनाना सीखते हैं। किसके डोरी बनाने के लिए मैं ऊन लूँगी। मैंने ये दो कलर का ऊन लिया है। साथ में हमें क्रोशेट हुक चाहिए होगा और सीजर चाहिए होगा। तो देखिए, चलिए हम डोरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं जो मेन कलर लूँगी वो ये ऑरेंज कलर लूँगी और ग्रीन कलर से हम इसका फीता बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम करेंगे वो इसका फीता बनाएंगे। इसके लिए मैं बड़ा फीता लूँगी इतना। इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं और ये टोटल जो मैं लूँगी वो हम 6 राउंड ऐसे मोड़ लेंगे, बिल्कुल बराबर से ऐसे। ये मैंने 6 राउंड मोड़ लिया है। अब हम इसे यहाँ कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे बिल्कुल बीच से, जो हमारा बीच आएगा ऐसे मोड़ कर चेक कर लेंगे और हाफ से हम इसे ऐसे मोड़ कर बिल्कुल यहाँ ऊन को बांध देंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम इसे बीच से बांध देंगे। देखिए, बिल्कुल सेंटर में हमने 6 राउंड इसे मोड़ा है। ऐसा हम दो बना लेंगे, सेम साइज का, सेम हाइट में। अब जो ये वाला हम ऊन लेंगे, इसको हम 2 टाइम मोटा कर लेंगे। ऐसे 2 टाइम मोटा कर लेंगे इसे। ये जो हमारा जहाँ हमने बांधा है वहाँ से बिल्कुल सेंटर में हुक को लीजिए और इसे ऐसे बिल्कुल इसको सेंटर में लेकर यहाँ से एक नॉट बना लेंगे चेन बनाने के लिए। देखिए, ये भी हम 2 टाइम नॉट बना लेंगे जिससे ये अच्छा टाइट हो जाए। अब हम इसमें चेन बना लेंगे जितना बड़ा हमें डोरी बनाना है। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे हम इसकी डोरी बना लेंगे। ये डोरी आप अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सरक के लिए बनाया है। आप लड्डू गोपाल जी के ड्रेस में यूज कर सकते हैं, फ्रॉक में बांधने के लिए। इवन आप इसे रेशम धागे से बनाकर ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं डोरी। ये देखिए कितना इजी है बनाना। इसे अपनी हाइट के हिसाब से बना लेंगे जितना बड़ा हमें चाहिए होगा। ये मैंने अपनी जो मुझे लगा बनाना है डोरी उस हिसाब से मैंने उतना लेंथ ले लिया है। आप अपने हिसाब से बनाएंगे। अब हम इसको बना लेते हैं, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसे ऐसे लपेट लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही इजी है बनाना। इसे बहुत ही टाइटली हम बांध देंगे। ये देखिए, अब हम इसे यहाँ नॉट लगा देते हैं।
बोथ साइड नॉट लगा दीजिए। इक्विवेलेंटली कट कर लेंगे, बिल्कुल बराबर से कट करना है। ये देखिए, ये हमारा फीता रेडी हो गया है। और इसका जो ये दूसरी साइड बनाना है, इसे हम जिसमें भी आपको ये डोरी लगानी है उसमें लगाने के बाद इस साइड इसे क्लोज करके हम इसको बनाएंगे। यहाँ से कट करेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। ऐसे बंद करेंगे हम और इसको उस ड्रेस में डाल कर और उसके बाद ये वाला फीता इस साइड बना देंगे। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, दूसरा सिरा बनाने के लिए भी हमने वैसे ही मोड़ लिया है जैसे पहले मोड़ा था। ऐसे फोल्ड कर लेंगे और जो हमारा बीच वाला है उसको ऐसे नॉट लगा कर अच्छे से बांध देंगे। इसे टाइटली बांधेंगे सो देट कि बाद में ये ऊन निकले नहीं। दो तीन बार बांध कर और इसके बाद जैसे हमने इसके साथ किया था, हम यहाँ बिल्कुल टाइटली इसे नॉट लगा देंगे। ये देखिए, हम इसे बिल्कुल टाइट नॉट लगा देंगे। यहाँ हम बिल्कुल टाइटली इसको लपेट देंगे यहाँ ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी डोरी बिल्कुल बनकर रेडी है। आप ये किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं जिसमें भी आपको ज़रूरत हो डोरी लगाने की, फ्रॉक्स में, स्टॉल में, ब्लाउज में, किसी में भी बना सकते हैं। दोनों ही हम इक्वल करके कट कर लेंगे जैसे हमने पहले ही बनाया है। अब इसे हम इक्वल करके, ये काफ़ी लेंथ है तो यहाँ से इसको बराबर से कर लेंगे। तो फ्रेंड, यदि आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसका जो अंदर का धागा है वो भी हम यहाँ पे कट करें। ये देखिए कितना प्यारा बन गया है डोरी। ये मैंने जो ड्रेस बनाई है इसके लिए मैंने इसे बनाया है। ये देखिए, यहाँ इसे ये श्रग के लिए बनाया है और इसे आप फ्रॉक्स में भी लगा सकते हैं। कितना प्यारा लग रहा है देखिए। इसे हम ऐसे नॉट लगा कर बांध देंगे। ये देखिए। तो फ्रेंड, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कंटिन्यू रहे फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।